सीतामढ़ी जिले में पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। बिहार का दूसरा और सीतामढ़ी में पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज नानपुर और चौरोत प्रखंडों में पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज शाम से खत्म हो गई। सीतामढ़ी डीएम सुनील कुमार यादव और एसपी हर किशोर राय एएसपी समेत अन्य अधिकारीगण नानपुर प्रखंड पहुंचकर 29 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर बीडीओ नानपुर चंद्रमोहन पासवान से मिलकर हालात का जायजा लिया। लंबे बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीतामढ़ी के डीएम ने बताया कि लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मत का इस्तेमाल करें। खास तौर से सभी पदाधिकारियों को उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि बूथों पर जो सुविधा देनी है उसकी तैयारी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। जिला जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। पहले चरण में हमारा नानपुर और चुरौत में होने वाला है, वहाँ पे तैयारियाँ सारी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि आज पहले चरण का हमारे लिए मतलब पहला चरण, वैसे तो दूसरा चरण है, तो उसके लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। कितना उत्साह है लोगों में, बढ़ चढ़ के लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं और एसपी साहब और पूरा प्रशासन हम लोग घूम रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तैयारी से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वोटरों को सर कोई मैसेज? वोटरों को मैसेज ये है कि ये जो पर्व है एक हमारा, ये ग्रासरूट लेवल पे पंचायती राज का जो सपना रहा है उसको पूर्ण करने के लिए सब बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें, इसको सक्सेस बनाएं। इसके लिए हमारा प्रशासन, पुलिस सब उनके सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। काफ़ी लंबी मीटिंग चली है सर, क्या क्या यानी कि गाइडलाइन मिला है और पदाधिकारियों को? मुख्यतः गाइडलाइन ये रही कि जितने भी बूथ हैं यहाँ पर उस पर जितने भी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं वोटरों के लिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए जो विकलांग वोटर हैं उनके लिए रैंप हो, बिजली की व्यवस्था हो, वोटरों को बैठने के लिए छाया की व्यवस्था हो, वेटिंग रूम हो, इस तरीके की व्यवस्थाएँ सभी लोगों को हों। महिलाओं के लिए स्पेशली जो हम लोग एक ऑल महिला बूथ बनाएंगे, पिंक बूथ बनाएंगे, उसके बारे में हम लोगों ने तैयारी की है और उसकी समीक्षा की। बात असली क्षेत्र संख्या 10, इससे पहले भी इलेक्शन फाइट किया था क्या? क्या प्लान है आपका? पंचायत में जो करप्शन है उसको खत्म करना है, दलाल का दलाल उसको साफ करना है। कैसे करेंगे आप? सारे दलालों का सर्वोत्तम करेंगे। कोई प्लान होगा ना आपका? हमारे जितने भी काम विकास के जितने भी काम रुके हुए हैं, नाली सड़क वो सारे कच्चे काम हुए, उन सबको रोड से लाना है, कागज से जितने काम हुए उसको खत्म करना है। मैं अपने पंचायत में मैं इस तरह का काम ही करता हूँ कि लोग मेरे प्रति एकदम इच्छुक है और दीवाना है। आखे। आखे। क्या प्लान है अब जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करना है या उसका जो प्लान है मेरा वो तो लोग देखेगा जीतने के बाद जो मेरी क्या मनसा है, जो अब तक करके दिखा चुके और आइंदा क्या दिखाना है वो तो जीत के आने के बाद फिर हम ऐसा दिखाएंगे कि इस प्रखंड में मेरा एक मिसाल होगा। अब हम तिवारा जीत के जाएंगे। अच्छा जी जी, क्या प्लान है आपका? वो प्लानिंग लोगों की सोच से बाहर है। जैसे कुछ बताएंगे? सोच में बहुत सारी चीजें हैं। जीत के तुरंत आने के बाद पहले तो एक एक पुल में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, कचरा के लिए डस्टबिन दिया जाएगा, उसके बाद जो बचा खुचा रोड है उसको बनाया जाएगा। बहुत सारी जो सब सोच है मेरी वो तो फिर वक्त आएगा, उसके बाद ही हम बता देंगे। सभी लोगों का काम होगा, सभी वर्गों का काम होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग चलते हैं। ठीक है।